की बिना संघ संचालिका के साढ़े 300 पिछड़ीधारियों को बिहार करा दिया। 50-50 सिद्धधारी क्या गुरुदेव। सन 1983 की घटना है, कटनी से बिहार हो रहा था तो शिखर जी जाना था, तो पंडित जी साहब थे जगमोहन लाल जी, उन्होंने कहा महाराज जी आपको शिखर जी जाना है तो बोल दो, हम लोगों को व्यवस्था करना पड़ेगी, सामान इकट्ठा पड़ना पड़ेगा, लोगों को आगे जाके कोई चौकी नहीं है, कोई समाज नहीं है। आचार्य से कुछ नहीं बोलो, हम लोग ने पूछा आचार्य से आप मत बोलो हम लोग कह रहे। तो आचार्य ने कहा कि किसने कहा तुम्हें दलाली करने का, तो हम लोगों ने सोचा कि आचार्य से नहीं कहते, आजकल क्या होता है स्वयं नहीं बोलते, तुम बोल दे रहे। वो तुम लोग भोजन करते हो ना तो पूरी चाहिए स्वयं को, तो क्या कहते अरे भाई पड़ोस में आने तो ला भाई थोड़ा सा, उधर नहीं बुलवा रहा है। ऐसे शायद महाराज जी होंगे। आचार्य जी ने हम लोग ऐसा डांटा, बोले किसने कहा हम शिखर जी जा रहे हैं, नहीं महाराज वो आप नक्शा वगैरह देख रहे थे ना, थोड़े नक्शा देख रहे थे मैं जा रहा हूं क्या, सब कुछ किसी को पता नहीं चला, कमेटी वाले हैरान। और एकदम एक दिन डेढ़ दो बजे सामायिक से उठते थे, उस दिन डेढ़ बजे उठे हम लोग तो सामायिक बैठे थे और आचार्य से तो उठ के चले गए, कमंडल अकेले लेके कोई नहीं, सब समाज वाले लोग से थे, महाराज दो बजे उठेंगे तो दो बजे पहुंचेंगे, डेढ़ बजे उठ करके महाराज ने बिहार कर दिया। रस्ते में एक बच्चा मेरा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, तो शायद शौच जा रहे होंगे, उसने कमंडल ले लिया महाराज का, चल गए वो आगे कर बेटा इधर का रास्ता बताओ कहाँ गए, बोले महाराज जी शौच का स्थान तो इस तरफ है। और चले, अब हम लोगों को आया, हम लोग पीछे गए, वो तो अच्छा से बढ़ते गए, ये तो शिखर जी का रास्ता जा रहा है, और किसी समाज से नहीं कहा, और 60 किलोमीटर तक कोई घर नहीं था, हम लोग बिल्कुल नए नए थे, बिल्कुल फ्रेश नए। अब हम लोगों ने कहा कल तो उपवास ले लो, कल का सब लोग ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े हैं कि कल रोटियां नहीं मिल रहा। अब बताओ समाज से कहा नहीं, 60 किलोमीटर तक कोई घर नहीं, कल क्या होगा। तो हम लोग सब बराबरी की उम्र के थे तो मजाक, कल का उपवास की हिम्मत है, कल उपवास ले लिया, कल आहार नहीं मिल रहा है, खाई नहीं किसी से नहीं है, कौन आएगा। और हम लोग बस से चर्चा हंसी मजाक करते हुए शाम को, तो आचार्य जी कल आपका आहार कहाँ होगा, बोले आचार्य जी कहते आहार आहार के लिए बिहार किया है क्या, बिहार करना करो, महाराज जी कोई नहीं आने वाला, बोले कोई नहीं आया तो हम क्या करें, अपन को थोड़ी आहार के लिए बिहार थोड़ी किया है। क्या धन है गुरुदेव, कुछ खबर नहीं, अपनी चिंता नहीं, कम से कम छोरों की चिंता तो करें, हम लोग नए नए लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, एक बार भी चिंता नाम की चीज ही नहीं। एक बार एक ब्रह्मचारियों के लिए सन 1981 की घटना, 80 की घटना, ब्रह्मचारी लोग मुक्तागिरी जा रहे थे, महाराज लोगों को पड़गा लिया, ब्रह्मचारियों को बैठे मंदिर में 12 बजे तक नहीं आया, चौथे लोग क्यों ब्रह्मचारी यहाँ मंदिर में क्यों बैठे हो, बोले महाराज जी चौके में आहार नहीं हुए है, कोई बुलाने नहीं आया। अब देखो कोई बुलाने नहीं आया तो आचार्य सी श्रावक खड़े थे उनसे कह सकते थे इनको हार को ले जाओ, हम लोग शुल्लक थे हमसे कह सकते इनको हार को भेजो, आचार्य क्या कहते अब 12 बज गए उपवास ले लो, क्यों रोटियों के लिए बैठे हो, मैंने कहा ये तो भूखो मारेगा, एक दया तक नहीं आई इतनी कि किसी श्रावक को सारा कहते कि ब्रह्मचारी को ले जाओ, ये और कहते अब उपवास ही ले लो, सामायिक करो, उपवास ले लो 6 घंटे से निकले। हमने कहा ये साधु के भरोसे पता नहीं क्या होगा। हाँ हम लोग 13 साधु थे जब शिखर जी बिहार हुआ, 13 साधु थे, और जैसे चलते गए सुबह तक हम लोग कोई भरोसा नहीं था आज सबके उपवास होंगे। और 9:30 बजे एक स्कूल के पास पहुंचे, वहां देखा पड़गान में 15 चौके लगे हुए थे, 13 साधु, सन 1983 की बात।
हम लोगों ने तो फिर आचार्य जी को आड़े हाथों लिया, बोले आचार्य जी आपके पास कोई मंत्र तंत्र है? आप तो मंत्र तंत्र है, आप बस ऊपर से तो कुछ बोलते नहीं हो, अंदर से कोई माला फेरते हो और उन चौकों को बुलवा देते हो। अन्यथा कैसे आए? आपने किसी से कहा नहीं, हम लोगों ने किसी से कहा नहीं। आचार्य जी आप छुपाते हैं हम लोगों से, आपके पास कोई मंत्र शक्ति कोई जादू तो है? अन्यथा ये आकार कहां कहां से आ गए? कोई कहीं से कहा सतना पता चल गया, सतना से इधर से उधर सब आ गए। आचार्य कहते हैं ना मेरे पास कोई मंत्र है ना मेरे पास कोई व्यवस्था है, मेरे गुरु ने तो कहा अवस्था सही रखना, व्यवस्था की चिंता मत करना। एक शब्द आचार्य का अवस्था यानी अपनी चर्या शुद्ध रखना, व्यवस्था की कोई चिंता मत करना। व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं, अवस्था के अनुसार व्यवस्था। और आज आचार्य की चर्या का परिणाम देखो, आज चौकों की परंपरा, संघ के चौकों की परंपरा प्राय खत्म हो गई, क्योंकि श्रावक आहार देना जानने लगा। बहुत कम इक्के दुक्के होंगे जहां उस प्रकार के होता हो, बाकी सब ये कहलाता है। ऐसा भेद करो, यदि तुमने सच्चे साधु साधुओं को अधिक सम्मान दिया तो सच्चे साधुओं की संख्या बढ़ेगी, और तुमने सच्चे और खोटों को सबको बराबर किया तो सच्चे साधुओं की संख्या घटेगी। अब निर्णय आपके हाथ में है, सच्चे साधु बढ़ाना है या घटाना है। बढ़ाना है तो भक्ति में पक्षपात करो, विनय में पक्षपात करो, गुणानुवाद में पक्षपात करो, नमोस्तु में पक्षपात करो, श्रद्धा में पक्षपात करो। पक्षपात होना ही चाहिए, नाम के अनुसार नहीं, गुणों के अनुसार। नाम से कोई मतलब नहीं, हमारा फलाना नाम नहीं, नाम से में कोई गुण अधिक है तो ये होना चाहिए। और ये संस्कार अपने जीवन में आ गया तो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर अपन पहुंचेंगे। इसलिए सारी चीजें हमें ये देखना है कि निमित्त के अधीन, निमित्त का मूल भी हमारे उपादान के ऊपर आश्रित है। हम चाहें तो निमित्त को पहचान, निमित्त को चूका पहचानने की वेद विज्ञान रख सकते हैं, और यदि नहीं चाहें तो फिर ठीक है, सब चल ही रहा है, जो हो रहा है ये सबसे ज्यादा। तो इसलिए अपने अंदर की शक्ति को, उपादान को पहचानो, और वो उपादान एक बार यदि तुम्हारा जाग गया और वो जागेगा, निमित्त को पहचानना चाहिए। निमित्त बुद्धि नहीं रखना, लेकिन निमित्त को दर्पण को नहीं देखना, लेकिन दर्पण को पहचानना। सच्चा दर्पण है तो तुम्हारे चेहरे की औकात दिख जाएगी, चेहरे की औकात, और खोटा दर्पण है तो चेहरा का कुछ भी दिखने वाला नहीं। इसलिए मैं सदा कहता हूं, तुम कितने ही काले बने रहना, तुम्हारा चेहरा कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन दर्पण साफ रखना। तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, तुम कितने भी दोषी क्यों ना हो, लेकिन गुरु चोखा रखना, बस तुम्हारा बेड़ा पार एक दिन हो जाए।